जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवा ब्लॉक में पीपल एक्शन नेशनल इंटीग्रेशन संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में उतरी है। संस्था द्वारा बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने सहित स्वरोजगार से जोड़ने, किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने सहित युवाओं तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। संस्था ने ग्रामीण विकास के लिए धर्मशाला में समग्र ग्रामीण विकास परियोजना लॉन्च की। इस दौरान एडीसी राहुल कुमार विशेष तौर पर उपस्थित रहे। वर्तमान में संस्था नगरोटा बागवां ब्लॉक के 15 गांवों में कार्य कर रही है। संस्था द्वारा एचआरडीपी के माध्यम से आगामी 4 वर्षों तक 15 गांवों में आजीविका संवर्धन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बेहतर शिक्षा, मृदा एवं जल प्रबंधन क्षेत्र में कार्य करेगी। एडीसी जिला कांगड़ा राहुल कुमार ने कहा कि पानी फाउंडेशन, एचडीएफसी बैंक, सीएसआर के सहयोग से समग्र ग्रामीण विकास परियोजना के तहत प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसका नगरोटा बागवां ब्लॉक की 15 पंचायतों पर फोकस रहेगा। ग्रामीण विकास के लिए ये संस्था काम करेगी और आगामी समय में जिला की अन्य पंचायतों में भी फाउंडेशन अपने कार्य को लेकर जाएगी। ग्रामीण विकास के तहत पानी फाउंडेशन ग्रामीण विकास के तहत संचालित योजनाओं में योगदान देगी। जो आज हमारा एक कार्यक्रम है वो पानी फाउंडेशन और जो एचडीएफसी बैंक का जो सीएसआर एक्टिविटी के माध्यम से एचआरडीपी जो होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो नगरोटा बगवा में 15 पंचायतों पे फोकस रहेगा, जिसमें इनका होलिस्टिक डेवलपमेंट है। उसमें हेल्थ एजुकेशन हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट एक पंचायत लेवल पे किया जाएगा। और फिर लॉन्ग टर्म में ये इनका और भी जो हमारे कांगड़ा जिले के पंचायतें हैं दूसरे ब्लॉक से उन पे भी फोकस किया जाएगा। देखिए, ये जो हमारा जो आरडी का सरकार की कुछ पॉलिसी होती है उसको ये एक सप्लीमेंट करेगा। हमारे भी कुछ पॉलिसी होती हैं, डेवलपमेंट का काम होता है जिसमें हम आरडी में पॉवर्टी से लेके एम्पावरमेंट से लेके सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेके उस पर भी कार्य करते हैं। तो एक जो एनजीओ होती है, सीएसआर एक्टिविटी होती है, वो हमें जो हमारे कार्य को सप्लीमेंट करता है ताकि जो हमारे जो जिला के लोगों को इसमें फ़ायदा हो सके और डेवलपमेंट का कार्य और तेज़ी से जा सके। देखिए, इनका जो एक प्रशासन की तरफ से ये होता है, कुछ ब्लॉक लेवल पे हो गया, बीडीओ के माध्यम से अगर इनका कुछ फोकस हो एजुकेशन को लेकर, अगर कुछ इनके जैसे आधारशिला का हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें अगर ये सप्लीमेंट करे, हमारे कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप में अगर सप्लीमेंट करे तो एक उसका एक सप्लीमेंट्री का एक ये काम करेंगे। नहीं तो मोर और लेस इनका अगर कुछ इंडिपेंडेंट काम है तो वो भी कर सकते हैं और सप्लीमेंट में काम करना चाहे तो सप्लीमेंट में, लेकिन ये जिला प्रशासन और जो हमारे ब्लॉक स्तर के जो विद कोऑर्डिनेशन ही इनका जो है काम चल रहा है। पानी संस्था के परियोजना प्रबंधक सतीश चौहान ने कहा कि किसानों को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। किसानों को बकरी मुर्गी दे रहे हैं जिससे गांव में स्वरोजगार शुरू हो सके। किसान अपनी फसल कैसे बढ़ाएं और मशरूम को व्यापार के रूप में प्रमोट करने के लिए कार्य किया जा रहा है। मुर्गी या बकरी ठीक संख्या में दी जा रही है जिससे किसानों को उनका लाभ मिल सके। पानी संस्था से मैं एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ काम कर रहा हूँ। जो ये समग्र ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है एचडीएफसी बैंक के सहयोग से, इसमें हम लोग जो मेन रोजगार की आप लोग बात कर रहे हैं तो इसमें जो किसान हैं, किसानों को हम लोग प्रमोट करने का पूरा काम कर रहे हैं। उनको काइंड में हम लोग मुर्गी बकरी पालन इस तरह का सपोर्ट करवाएं ताकि गाँव में ही रोजगार शुरू हो, और मल्टी लेयर क्रॉपिंग कराना ताकि सब्जी की जो लेयर है उसको और ज़्यादा सब्जियाँ कैसे उत्पादन ज़्यादा बढ़ा सकें उन लोग, और साथ में मशरूम को बिजनेस मॉडल में कैसे प्रमोट करें गांव लेवल पे ताकि गांव के जो किसान हैं, ज़्यादातर बेरोजगारी गांव में चीज़ों को रहती है तो उसको हम कैसे प्रमोट कर पाएँ। साथ में बकरी हम लोग एक एक बकरियां नहीं दे रहे हैं, ठीक संख्या में दे रहे हैं ताकि ये किसान जिसको मिले वो ठीक से अपना रोजगार को आगे बढ़ा पाए। और उसके साथ में जो जो यूथ के लिए है, यूथ के जो गवर्नमेंट की जितनी स्कीमें चल रही हैं उनको हम लोग कैसे जोड़ पाए, इसके लिए करियर काउंसलिंग समय समय की जा रही है ताकि जो स्कीम्स है गांव तक वो लोग पहुंच नहीं पाती तो उससे हमारे इस कार्यक्रम को जाने, गवर्नमेंट के कार्यक्रम को जाने और उससे जुड़े उसका पूरा लाभ लें। इस तरह से हम यूथ को बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, हम लोगों ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में जहाँ काम कर रहे हैं एक एक वीएलसी सेंटर डेवलप कर रखा है, ग्राम संसाधन केंद्र, उस संसाधन केंद्र पे ही सारी सुविधाएं हम लोग खुद रखे हैं। वहाँ जैसे सॉइल टेस्टिंग किट है, वो आपको किसान को बहुत एफर्ट करना पड़ता है तब वो टेस्टिंग कर पाता अपने मिट्टी की जांच की कि कितना उसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास डालना है उसमें, तब उन्हें वो समझ पाता है चीज़ों को। साथ में ही वाटर टेस्टिंग किट है, वो भी हम लोग वहाँ पर अवेलेबल करा रहे हैं। वेइंग मशीन है और आपका जो स्प्रे मशीन है, जो गरीबतम किसान नहीं अफोर्ड कर पाता स्प्रे मशीन वहाँ दे रहे हैं हम। छोटा जो ट्रैक्टर पावर वीडर आता है वो हम लोग वहाँ पर उपलब्ध कराए हैं। ग्रास कटर जो फसल कटाई के लिए उपलब्ध है ये भी हम लोग हर संसाधन केंद्र पर उपलब्ध कराए हैं ताकि किसानों को, जो गरीबतम किसान उसको तकनीकी रूप से पिछड़ा न रह जाए।